हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे थ्री फेस मोटर का वायरिंग कैसे करते हैं पुश बटन के सहायता से, पुश बटन NO एलिमेंट और पुश बटन NC एलिमेंट से कैसे वायरिंग करते हैं। तो मैं जो है आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। और थ्री फेस का मोटर हर जगह हर कंपनी में मिलता है और जो इलेक्ट्रिशियन होता है, जो मैकेनिक होता है, उसको काफ़ी कंफ्यूज रहता है। और ये वीडियो उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, PLC का काम सीखना चाहते हैं। यदि आप PLC का काम सीखना चाहते हैं तो आपको मोटर का वायरिंग पूरे दिमाग में रहना चाहिए, जहन में रहना चाहिए। तो मैं आपको बिल्कुल ही आसान से सिखाऊंगा दोस्तों, आपको बिल्कुल ही कन्फ्यूज़न होने का ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो एक एनिमेशन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जगदीप और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आपको एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। जो अगला वीडियो आएगा PLC पैनल वायरिंग से रिलेटेड कोई भी, तो आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से मिल जाए और आप उसको देख करके अपने नॉलेज को बढ़ा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वायरिंग करने में जो होता है, मोटर वायरिंग करने में सबसे पहला जो चाहिए 4 पोल का MCB चाहिए दोस्तों, आपको रहना ही चाहिए। इसके बाद चाहिए कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर कोई भी ब्रांड का रहेगा तो चलेगा, इसमें कुछ भी तकलीफ़ नहीं है। इसके बाद चाहिए हमको एक OLR ओवरलोड रिले, जो मोटर को लोड होने से ट्रिप हो जाता है और मोटर को सेफ्टी प्रदान करता है। और आप कुछ इस प्रकार से उसको माउंटिंग भी कर लेंगे, आप देख लीजिए हम कैसे उसको रखे हैं, आप उसी प्रकार से अपने पैनल में भी रख सकते हैं। इसके बाद जो होगा मोटर, और यहाँ पे इतना सामान है। और इसके बाद जो चाहिए हमको 2 पुश बटन, उसमें एक पुश बटन रहेगा स्टार्ट पुश बटन NO एलिमेंट के साथ, और दूसरा जो पुश बटन रहेगा स्टॉप पुश बटन NC एलिमेंट के साथ। तो हमको इतना कंपोनेंट चाहिए। और इसके बाद आप एक अर्थिंग का पॉइंट बना लीजिएगा, अर्थिंग डालने के लिए मोटर में। आपको वायरिंग करने में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको वायरिंग कभी ख़राब भी हो जाता है तो पुराना वायरिंग को आप खोल करके फेंक दीजिए और इस प्रकार से आप वायरिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले 4 पोल का MCB लिया, उसमें R लाइन, Y लाइन और ब्लू लाइन डाल दूंगा। जैसे कि आपको 3 फेस आया हुआ है, उससे तीनों वायर से एक एक लाइन ले लेना है और एक न्यूट्रल डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको MCB का जो ऊपरी का लाइन है, ऊपर भाग का, वो कनेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आपको लेना है कॉन्टैक्टर, और कॉन्टैक्टर में भी ठीक उसी प्रकार से आपको लेना है रेड वायर को रेड वाले से डाल देना है, और वायर जो येलो होगा वो येलो वाले पॉइंट से डाल देना है, और जो ब्लू है उसको बिल्कुल ही ब्लू से डाल देना है। जैसे ऊपर है उसको वैसे ही नीचे में भी लगा देना है, आमने सामने न्यूट्रल पॉइंट को केवल छोड़ देना है। इसके बाद जो आएगा ओवरलोड रिले, और हम इसको कॉन्टैक्टर में कुछ इस प्रकार से फिटिंग किए हैं, आप भी उसको बहुत ही आसान से कर सकते हैं। इसके बाद जो है मोटर, और मोटर में हम डालेंगे RYB का केबल, जैसे कि मैंने रेड केबल कनेक्ट कर दिया है, इसी प्रकार से हम येलो केबल भी कनेक्ट कर देंगे, आप भी इसी प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो होगा अगला केबल, वो होगा ब्लू का, और ब्लू का केबल होने के बाद मेरा जो है यहाँ पे पावर लाइन का वायरिंग कंप्लीट हो गया है। जो पावर का जो देना है मोटर में वो कंप्लीट हो गया, अभी कंट्रोल वायरिंग होगा। तो हम स्टॉप पुश बटन NC एलिमेंट और एक लेंगे स्टार्ट पुश बटन NO एलिमेंट। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, एक ब्लू लाइन, जो ब्लू लाइन है वहाँ से एक लाइन ले करके और NC एलिमेंट के ऊपरी सिरा में डाल देंगे, और NC एलिमेंट के फिर निचले सिरा से एक वायर ले करके हम NO एलिमेंट के ऊपरी सिरा में लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम वहीं से एक लाइन निकाल करके कॉन्टैक्टर में जो A1 है वहाँ पे हमको लूप करना है। देखिए मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक लाइन लगा दिया हूँ NO एलिमेंट के ऊपरी सिरा से, और वहीं पे A1 को और NO को हमको एक लिंक मार देना है। इसके बाद क्या करना है, जो NO एलिमेंट है ग्रीन वाला जो है, उसमें से फिर से एक वायर लेना है नीचे से, और ओवरलोड रिले के NC पॉइंट में डाल देना है, और उसके अगले सिरे से जो वायर निकलेगा हम उसको क्या करेंगे,
कॉन्ट्रैक्टर के NO में डाल देंगे। आमने सामने लगाना है दोस्तों, आमने सामने NO जो है दोनों आमने सामने रहना चाहिए। इसके बाद हम एक न्यूट्रल को A2 में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो है मेरा वायरिंग कंप्लीट हो गया है। एक अर्थिंग लगा देना है सेफ्टी के लिए, कभी भी कुछ ओवर वोल्टेज आए या शॉर्ट सर्किट होगा तो उससे आपको मोटर को सेफ्टी प्रदान होगा। ओवर वोल्टेज आने से, अर्थिंग रहने से आपको मोटर को सेफ्टी मिलता है, तो अर्थिंग रहना ही चाहिए दोस्तों। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को मैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में बनाया हूँ, जिससे आपको बिल्कुल ही बोरिंग नहीं लगे, आपको इंटरटेनमेंट की तरह फील हो। ज़्यादा टाइम मैंने नहीं लिया है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।